नमस्कार, आप देख रहे हैं एमआई मीडिया और मैं हूं नीरज कुमार। आगे बढ़ने से पहले आज की खास खबरें। आरुषि मर्डर केस में माँ बाप को जेल, बेटी की हत्या के आरोप में माता पिता को जेल। इसे किस्मत का खेल कहें या एक माँ बाप की हैवानी, हकीकत क्या है? ये आरुषि हेमराज की आत्मा जानती होगी या मारने वालों का दिल? आत्मा बोल नहीं सकती और मारने वाला बोल नहीं रहा। ऐसे में आम लोगों के संशय को दूर करने के लिए सीबीआई कोर्ट ने साफ कर दिया कि आरुषि हेमराज के हत्यारे और कोई नहीं बल्कि उसके माता पिता ही हैं। उन्हें आगे का जीवन जेल की सलाखों में ही बिताना होगा। दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की एक सभा में रंजीत सिंह ने भाजपा के कमल को थामा। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। सभी पार्टियां पूरी ताकत से मतदाताओं को लुभाने में लगी हैं। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह पहली बार चुनाव प्रचार की शुरुआत संगम विहार से करते हुए यहां के जाने माने समाज सेवी व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रंजीत सिंह को भाजपा में शामिल होने पर बधाई देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है श्री रंजीत सिंह जी, और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं रणजीत सिंह जी के परिवार से बहुत पहले से परिचित और उनके पिताजी बिहार की एक मानी जानी हस्ती रहे और कोऑपरेटिव सेक्टर की एक मानी जानी हस्ती रणजीत सिंह जी के पिताजी रहे हैं। और जब उनका निधन हुआ मैं स्वयं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था, और आज जब डॉक्टर एससीएल गुप्ता जी ने उनसे हमारी भेंट कराई है और उन्होंने सहर्ष ये कहा है कि पिछली बार तो मैं चुनाव लड़ा था, 16,000 मत उन्हें प्राप्त हुए थे, लेकिन देश की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने यह फैसला किया है कि अब वह समय आ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान से जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। इसलिए श्री रणजीत सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। पहले भारत का दिल जो दिल्ली है उसको बचा लीजिए, उसके बाद 2014 में भारत को बचा लीजिए, और भारत को बचाने की स्थिति में इस समय यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो अब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। अभी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, अपनी पार्टी में शामिल किया है श्री रंजीत सिंह जी, बहुत कम समय में हमरा के कहल गई बा कि पूर्वांचल के होए के नाते भोजपुरी में रुआ आग्रह करी कि डॉक्टर एससीएल गुप्ता के हाथ के मजबूत करे खातिर कमल पर बटन दबा के 4 दिसंबर के ऐसा परिणाम देवे के बाद कि जे लोग आज 84 के दंगा में जे लोग शामिल रहे जिनका मामला न्यायालय में बा अपन कभी। मैं संगम विहार के लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मुझे पिछले चुनाव में इन लोगों ने अपने आशीर्वाद दिए थे। 12,000 मत जो मुझे मिले थे वो किसी पार्टी का मत नहीं था, वो मेरा व्यक्तिगत मत था और उस मत का मैं सम्मान करता हूँ। इसी वजह से मैं संगम विहार के लोगों के लिए संघर्ष करता आया हूँ और करता रहूँगा। पर अगर आपकी सरकार बनी तो प्राथमिकता के आधार पर जो काम सबसे पहले आप करेंगे वो क्या करें? प्राथमिक आवश्यकता तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लोगों को पीने योग्य पानी मिल जाए, सीवरेज सिस्टम ठीक हो जाए, अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाए, और साथ ही साथ बिजली की बढ़ी हुई जो कीमत है 15 वर्षों में लगभग 300% बढ़ी है उसको कम किया जाए। यह सब कई ऐसे सवाल। एशिया की सबसे बड़ी अनऑथराइज कॉलोनी संगम विहार में एससीएल गुप्ता के समर्थन में आज राजनाथ सिंह ने यहाँ एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान सिर्फ बीजेपी के पास है। कैमरामैन अभिषेक के साथ हरचंद तिवारी, एमआई मीडिया, संगम विहार, दिल्ली। दूसरों को तहलका मचाने वाला तरुण तेजपाल आज खुद तहलका बना हुआ है और गोवा पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं तरुण तेजपाल। खोजी पत्रकारिता में तहलका मचाने वाले तरुण तेजपाल पर तहलका मचना शुरू हो चुका है। कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। पहले आरोप कबूल करने वाले तेजपाल को जैसे ही एहसास हुआ कि नए कानून के तहत उनका भी हश्र आसाराम जैसा ही हो सकता है तो वो अपने ही बयान से पलटते हुए इसे लड़की की साजिश बता रहे हैं। इसी को तो कहते हैं ना कि समय हो तो बलवान रे भैया। दूसरों को जेल भेजने को उतावला आज खुद को ही जेल जाने से बचाने के लिए छटपटा रहा है।
नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा, अर्थशास्त्रियों ने मिलकर आर्थिक दशा बिगाड़ी और रुपया पहुंचा आईसीयू में। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने फिर दोहराया, गरीबी की दीवार गिराएंगे। दक्षिण दिल्ली के उपमहापौर सहीराम पहलवान ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को मौका प्रस्त बताते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। तुगलकाबाद से बसपा प्रत्याशी सहीराम पहलवान को अपने पक्ष में लहर चलती दिख रही है और वे मानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा ने जनता को ठगने का काम किया है। आप क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की गुंडागर्दी, जो आज तक 5 साल में उसने क्षेत्र के लोगों का अपमान किया है, उसका रोष आपको देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस की महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आपको रोष देखने को मिल रहा है और आने वाली 4 तारीख को ये जनता फैसला करके दिखा देगी कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी क्या हो। सबसे पहला मुद्दा पीने के पानी की व्यवस्था, दूसरा सीवर की व्यवस्था, तीसरा शिक्षा का जो इन्होंने पिछले 5 साल में बेड़ागर किया है उसमें सुधार लाना, और जितने भी हमारे बुजुर्ग पूर्वांचल के जितने भी हमारे साथी 5 साल में इस आदमी ने अपमान किए हैं उनको सम्मान देने का काम हम करेंगे। उधर हरकेश नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल भराना ने क्या कहा, आइए देखते हैं। धर्मपाल जी, आप यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, और आपके यहाँ से बहुत ही अच्छे उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतरे हैं इस बार, काफी दिनों के बाद एक पढ़े लिखे लोग एडवोकेट हैं जिनको आपकी पार्टी ने टिकट दिया है, क्या आप मानते हैं क्या होगा, जबकि पूरे देश में और खासकर दिल्ली में भी अभी शीला दीक्षित पर भी CBI का मुकदमा चालू हो गया है और पूरे देश में महंगाई भ्रष्टाचार पर का मुद्दा है, आपके यहाँ से क्या मुद्दा लगता है? हमारे यहाँ से विकास का मुद्दा है, महंगाई का जहाँ तक सवाल है वो पूरे वर्ल्ड में ही है, हमारे इंडिया में ही नहीं है, और दिल्ली में जितना विकास हुआ है इतना कहीं भी नहीं हुआ। जहाँ तक आप मीडिया चिल्ला रहे भाई नरेंद्र मोदी, आज आपको मैं बताऊं, बिजली भी गुजरात में दिल्ली से महंगी है, पेट्रोल वहां दिल्ली से महंगा है, जो ये कहते हैं वहां तो वो 15 साल से CM है कि हम ये कर देंगे, तो सबसे पहले वहां आगू क्यों नहीं कर रहे। प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में क्या कुछ हो रहा है, आइए चलते हैं हमारे सहयोगी हरिशंकर तिवारी के पास। 33वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार डे पर बिहार में उद्योग लगाने के लिए इन्वेस्टर्स को तरह तरह के लुभावने वादे किए उद्योग मंत्री रेणु कुमारी ने, कि उद्योग लगाने के लिए निवेश करने के लिए जो भी एक चीजें चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, वातावरण चाहिए, उसको बिहार सरकार ने बना दिया गया। हमारे इसमें से साथी सही ने कहा कि जो आप बात लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे हो या किसी तरह की चिंता की बात कर रहे हो तो वो सब बहुत पहले जमाने में, ज्यादा पहले तो नहीं कहना चाहूंगा लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि वो 8 साल पूर्व की बात है। प्रगति मैदान मेले में जहां लोग खरीददारी और मेले का लुफ्त उठाने में मगन हैं, वहीं कुछ शरारती असामाजिक तत्व भीड़ का फायदा उठाने में लगे। अभी बिहार पवेलियन के एक दुकानदार बाहर में एक चोर को पकड़े हुए था जिन्होंने की यहाँ चोरी की थी और आपस में दुकानदार और उस ग्राहक के बीच में खींचतानी हो रही थी, काफी उनके बच्चे रोने लगे, वो हाथ जोड़ने लगी, फिर वो चले गए। बताइए क्या मामला था, सच क्या है? तो बाजू वाले ने बताया कि हमारा पर्स गायब हो गया, मैंने नीचे जाकर उससे मांगा